सिलसिले सवाल और जवाब में आज का सवाल यह है, किसी बहन ने पूछा है, अगर बीवी फोत हो जाए उसका खामंद उसको हाथ लगा सकता है, उसका चेहरा देख सकता है, उसके जनाजे को कंधा दे सकता है और इसी तरह उसको कब्र में उतार सकता है या नहीं उतार सकता, तो इसका जवाब यह है, बीवी के इंतकाल के बाद शोहर उसका मुंह भी देख सकता है, हाँ उसको बिला वजह हाथ नहीं लगा सकता, इस वजह से कि मौत के बाद शरान मियां बीवी का निकाह ख़त्म हो जाता है, इस वजह से उसकी बहन से निकाह करना दुरुस्त हो जाता है, यानी सानी से, क्योंकि निकाह ख़त्म हो गया तो इस वजह से, हाँ शरान हाथ ना लगाए, लेकिन अगर कोई बिलफर्ज कोई ऐसी मजबूरी है, बिल्कुल कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे, फिर तो शरीयत इजाज़त देती है, वगरना ऐसे बिला वजह हाथ नहीं लगाना। और दूसरी बात यह है कि जनाजे को भी कंधा दे सकता है, अल्लाह फरमाए सारी जिंदगी उसने उसके साथ गुजारी है, शरीयत इतना भी हक नहीं लेती उसे कि उसको कंधा ना दे सके, हाँ कंधा दे सकता है, क्योंकि कंधे में तो उसका जिस्म एक बॉडी जो है वो चारपाई पे पड़ी है, चारपाई के जो पाए हैं उसको पकड़ना होता है, कंधा देना होता है, तो इस वजह से उसके जिस्म को तो मस नहीं हो रहा होता, वो दे सकता है। और तीसरी चीज़ यह है कि उसके जनाजे में भी शरीक हो सकता है, जनाजा उसका पढ़ भी सकता है, और कब्रिस्तान में अव्वल तो यह है कि उसके महरम रिश्तेदार उतरे, बीवी के महरम रिश्तेदार, उसने उसके भाई हैं, उसके भतीजे हैं, उसके भांजे हैं, उसका अबू है, उसके मामू हैं, वो उतरे। अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो फिर शोहर भी उतर के बीवी को लहद में उतार सकता है और उसको कब्र में दफना भी सकता है। शरीयत में इस तरह की कोई ऐसी सख्ती नहीं है। हाँ अगर ज़रूरत पूरी हो रही है, मतलब उसके महरम है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है, वो एक रिश्ता था जो उसके फोत होने के बाद वो ख़त्म हो चुका है, अब ज़रूरी नहीं है कि जनाब मियाँ ऐसे खामखा वहाँ पे घुसे, शरीयत ने उसको रोक दिया है। बाकी अब उसके लिए ये है कि साले सवाब के लिए कोई कुरान पढ़े उसको, अच्छा उसको बख्श दे, या इसी तरह कोई नमाज़ पढ़ के उसके लिए दुआ करे, अब खामत के ज़िम्मे ये काम ज़रूरी है इज़ाले सवाब के लिए। तो बाकी ये जो काम है ये तो हो जाते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें सारी हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इन कामों में हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और जो काम बाद में करने वाले होते हैं वो हम भूल जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, फिर मियाँ अपनी जगह पे, बच्चे अपनी जगह पे, तो फिर जनाब ये सॉरी शुरू होती है, इस वजह से इसमें ऐसा करना नहीं है, मतलब इसमें इस्लाम में ऐसा, तो आप कर सकते हैं, उसका मुंह भी दे सकते हैं और उसके जनाजे में भी शरीक हो सकते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।